हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। मेरा नाम है सुभाष और स्वागत है आप सबका इस प्यारे से चैनल के ऊपर। तो यार, एक मूवी है, बहुत फेमस है, डॉन। और उसका एक डायलॉग आपने सुना होगा कि डॉन की तलाश तो 11 मुल्कों की पुलिस को है, बट डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो अभी कुछ ना कुछ ऐसी की ऐसी हालत तुम बच्चों की भी हो रही होगी, और तुम्हारे लिए डॉन की जगह कौन आ गया होगा, नीट, और उसके अंदर भी खासकर फिजिक्स। कि यार, फिजिक्स को नीट के अंदर क्रैक करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। लेकिन नामुमकिन को मुमकिन बनाने के लिए मैं लेके आया हूं आपके लिए एक ब्रांड न्यू सीरीज, ठीक है। तो इस सीरीज के अंदर हम क्या करने वाले हैं, हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी, मैं पिछले वीडियोस के अंदर भी काफी कुछ स्ट्रेटजी के बारे में बता चुका हूं, लेकिन एग्जैक्टली हमारा स्केड्यूल क्या होगा, प्लान क्या होगा, उसके बारे में और ज्यादा जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंदर। तो यार देखो, इस वीडियो का नाम हमने रखा है नीट 2019 मोस्ट वांटेड फॉर फिजिक्स। यानी कि हम फिजिक्स के अंदर जो रिमेनिंग 40 डेज है उसके अंदर कुछ इस तरीके से पढ़ाई करने वाले हैं कि जो मोस्ट वांटेड चीजें हैं, मतलब जो नीट के अंदर आपसे फिजिक्स के अंदर एक्सपेक्ट करी जा रही है, हम उनको पकड़ सके। और उसी के लिए बहुत ज्यादा डेप्थ में जाकर रिसर्च करके मैंने एक मटीरियल तैयार किया है जिसको मैं 40 डेज के अंदर आप सब लोगों को धीरे 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 बताने वाला हूं। तो आई होप आप सबको बहुत मजा आने वाला है, आप सबकी फिजिक्स की जो समस्या है वो दूर होने वाली है, आई होप मेरी वजह से आपकी काफी कुछ हेल्प होने वाली है। तो जुड़े रहिए मेरे साथ। अब आप पूछेंगे कि सर ऐसा क्या है, मतलब इस सीरीज की जो खासियत है वो क्या है, या फिर इसकी जो बहुत बेसिक लेवल पर आप जाके पूछेंगे कि इसकी जो बेसिक फिलॉसफी है वो क्या है, मतलब किस बेसिस पर आपने इस सीरीज को प्रिपेयर किया है। तो यार देखो, जब मैं नीट 2019 में आप बच्चों को ध्यान में रख के मटेरियल तैयार कर रहा था, खासकर इन 40 डेज के लिए, तो मेरे दिमाग में जो सबसे बड़ा रिसोर्स था वो था पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स। मैंने उनको बहुत अच्छे से रिवाइज किया है, ठीक है, और वहां से कुछ मैंने पैटर्न्स ढूंढ के निकाले हैं, ठीक है। अब अगर आप भी उस इनसाइट को थोड़े से देर के लिए समझना चाहते हो तो मैं वो लेके आया हूं आपके लिए। ये आपके लिए वैसे भी बेनिफिशियल है, आप लोग वीडियो को पॉज करिए और इस चीज को अच्छे से एनालाइज करिए एक बार। तो देखिए, इसमें मैंने क्या किया है, मैंने इसमें चैप्टर वाइज एनसीईआरटी के चैप्टर वाइज मैंने पिछले 4 साल के अंदर जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स के अंदर, उनकी एक लिस्ट तैयार करी है। तो आप लोग जब इस लिस्ट को देखेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली पता पड़ जाएगा कि कुछ चैप्टर्स तो ऐसे हैं जिनसे क्वेश्चन का आना 100% श्योर है, यानी कि उस चैप्टर को तो हमें छोड़ना ही नहीं है। लेकिन जब आप इस लिस्ट को गो थ्रू करेंगे, जैसे सपोज करो मैंने इन सारे के सारे चैप्टर्स के लिए बनाई है, आप वीडियो को पॉज करिए और लिस्ट को गो थ्रू करिए अच्छे से। ये इसका नेक्स्ट सेक्शन है, नेक्स्ट जो चैप्टर्स है उनके लिए ये लिस्ट है, और ठीक है, ये रिमेनिंग सेक्शन जो रिमेनिंग चैप्टर्स है 11th के, उनके लिए लिस्ट है। तो मैं आपको एक बार वापस से फ्लैश करता हूं इस लिस्ट को, आप इस वीडियो को पॉज करिए और अच्छे से इस लिस्ट को एक बार एनालाइज कीजिए। मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं कि इस लिस्ट से मैंने क्या इनसाइट्स निकाली है। जैसे सपोज करो हम इस पर्टिकुलर एग्जांपल को लेते हैं, आप देखोगे कि ये जो चैप्टर है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, रोटेशन मैकेनिक्स, रोटेशनल मैकेनिक्स, रिजिड बॉडी डायनेमिक्स कह सकते हो आप इसको, आप देखोगे कि हर साल लगभग 3-3 क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं। 2018 में तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस 4 कर दिए गए हैं। अब आपको इतना तो पता पड़ गया होगा कि यार हर बार जब इस चैप्टर से 3-3, 4-4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो इस बार भी क्वेश्चन तो पक्का आना है। लेकिन नेक्स्ट समस्या आपके लिए ये है, नेक्स्ट प्रॉब्लम आप लोगों के लिए ये है कि व्हेन यू विल गो थ्रू एनसीईआरटी एंड व्हेन यू विल लुक एट दिस चैप्टर, यू विल फाइंड कि दिस चैप्टर इज वेरी लेंथी। आपको लगेगा कि यार ये चैप्टर तो पहाड़ जितना बड़ा है, और अगर हमें पता भी पड़ गया कि इस चैप्टर में से 3-4 क्वेश्चंस आने वाले हैं तो भी हमें इस चैप्टर को करने में काफी टाइम लगने वाला है। तो यहां पर आपको हमारी जो मोस्ट वांटेड सीरीज है वो हेल्प करने वाली है। बच्चों, हमने इससे एक स्टेप आगे जाके आपके लिए उन 40 सेलेक्टेड टॉपिक्स की लिस्ट तैयार करी है जो कि इन चैप्टर में से, मतलब इस चैप्टर के अंदर से भी जो सेलेक्टेड टॉपिक्स है, मतलब ऐसे टॉपिक्स जिसके ऊपर से क्वेश्चंस पूछे गए हैं और जिसके ऊपर बहुत ही ज्यादा चांसेस है कि इस बार नीट 2019 में भी क्वेश्चन पूछा जाने वाला है, ऐसे टॉपिक्स की मैंने लिस्ट तैयार करी है। तो आपका जो बर्डन है, यानी कि आपका जो सर्च एरिया है, वो मैंने बहुत ज्यादा हद तक रिड्यूस कर दिया है। मुझे पता है कि आप सब लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे उस लिस्ट का,
पिछले वीडियोस के अंदर भी आपने काफी सारी बच्चों ने कमेंट किया था कि सर हमें प्लीज वो लिस्ट बताइए, तो मैं आपको लिस्ट भी बताने वाला हूं। मैं वन बाय वन हर टॉपिक को हर दिन आपको समझाने वाला हूं, उसके ऊपर किस तरीके के क्वेश्चंस आने वाले हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। और काफी कुछ उन 40 टॉपिक्स के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, ताकि आप अगर इस लेवल पर, इस आज के दिन तक आप बहुत कम प्रिपेयर्ड है फिजिक्स के लिए, तो भी अगर आप हमारी इस सीरीज को फॉलो करोगे तो आप जब नीट 2019 के लिए अपीयर करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस फिजिक्स को लेकर तो काफी ज्यादा हाई होगा, ठीक है। यानी कि उस टाइम पर अगर कोई आपसे पूछेगा हाउस द जोश, तो आपका आंसर हाई सर आएगा, ठीक है ना। देखते हैं क्यों ऐसा होगा। तो मैं एक बार वापस से फ्लैश कर रहा हूं, इसको अच्छे से आप नोट कर लीजिए, ठीक है। फिर मैं बताता हूं कि वो टॉपिक्स कौन से हैं जो कि मैंने इन चैप्टर से छांट के निकाले हैं। देखिए, मैं पूरे के पूरे 40 टॉपिक्स की लिस्ट आपके साथ शेयर नहीं कर रहा हूं, क्योंकि आप बहुत ज्यादा ओवरवेल्म्ड हो जाएंगे, मतलब आपको लगेगा कि ये भी बहुत ज्यादा है। तो क्योंकि मैं वन बाय वन हर टॉपिक को हर दिन करवाने वाला हूं, तो मैं नेक्स्ट 10 डेज में जिन जिन टॉपिक्स को हम लोग कवर करने वाले हैं उनकी लिस्ट मैं आपको देता हूं। मुझे पता है बहुत 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 ज्यादा बेसब्री से इंतजार है आपको इस लिस्ट का। तो जो नेक्स्ट स्लाइड है, बहुत अच्छे से देखिएगा इस लिस्ट को, ठीक है ना। ये है आपकी फर्स्ट लिस्ट। ध्यान रखो बच्चों, ये सारे के सारे टॉपिक्स मैं हर दिन कवर करवाने वाला हूं वन बाय वन, ठीक है। तो पहली लिस्ट के अंदर अगर आप देखोगे तो मैंने किन किन टॉपिक्स को शामिल किया है, आप एक बार गौर से देखिए। मैं वन बाय वन फटाफट से एक एक के बारे में बताता हूं। जैसे पहला टॉपिक है एरर्स एंड डायमेंशनल एनालिसिस, यानी कि जब आप एनसीईआरटी का पहला, दूसरा, तीसरा चैप्टर पढ़ते हो तो उसमें, खासकर दूसरे चैप्टर में, एरर्स के बारे में और डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में काफी कुछ दिया हुआ है। बट उनमें से हमने केवल और केवल छोटे से दो टॉपिक उठाए। एरर्स, जिसमें भी हम बेसिकली एरर के कॉम्बिनेशंस के बारे में करेंगे, एरर प्रोपेगेशन, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ एरर्स, एडिशन ऑफ एरर्स, ठीक है ना, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर, इनके बारे में बात करेंगे। और डायमेंशनल एनालिसिस, अब सारी की सारी क्वांटिटीज की डायमेंशंस आपको याद करने की जरूरत नहीं है। डायमेंशनल एनालिसिस के ऊपर मोस्टली जो क्वेश्चंस आते हैं, उस तरीके के क्वेश्चंस के थ्रू मैं इस चैप्टर को, इस टॉपिक को आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे नेक्स्ट टॉपिक मैंने लिखा है, ठीक है, वेक्टर्स। तो इसके अंदर ये यूनिट वेक्टर्स है। यहां पे अगर आप देखोगे तो मैंने दो चीजें इसके अंदर शामिल करी है। एक तो है यूनिट वेक्टर, जो कि बहुत ज्यादा काम आने वाला है आपके, थ्रू आउट द फिजिक्स काम आने वाला है, बट इसके ऊपर इंडिविजुअल क्वेश्चंस भी आते हैं। साथ ही साथ में प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, मतलब डॉट प्रोडक्ट हो गया और स्केलर प्रोडक्ट हो गया और वेक्टर प्रोडक्ट हो गया। तो आप वन बाय वन देखोगे, वन डायमेंशनल मोशन के अंदर मैंने एवरेज स्पीड बिल्कुल सटीक तरीके से बताया कि आपको इसी के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। और ग्राफ्स ऑफ मोशन, मतलब आपसे जितने भी ग्राफ्स के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि इस चैप्टर में से उसी के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टू डायमेंशनल मोशन हो गया, प्रोजेक्टाइल, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल के ऊपर बेसिकली क्वेश्चंस पूछा जाने वाला है। इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम, तो जितने भी वो पुलिस वाले और ये सब क्वेश्चंस करते हो, बेसिकली इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम के बारे में, मतलब कि अगर एक सिस्टम को रेस्ट से रिलीज किया जाए तो उसकी मोशन कैसी होगी, तो कुछ उस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं वो भी हर बार आते रहते हैं, वो हम इस चीज के अंदर शामिल करने वाले हैं। कॉलिजन्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। वर्क एनर्जी थ्योरम एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर आप देखोगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, आपको पता पड़ गया होगा कि ये दोनों ही टॉपिक्स ऐसे हैं जिन पे डेफिनेटली क्वेश्चंस आता ही आता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड सेंटर ऑफ मास, यानी कि आपका जो बहुत लेंथी चैप्टर था, मैंने केवल और केवल उसमें से दो टॉपिक्स उठाए हैं। मेरा ये मानना है कि अगर इन दोनों टॉपिक्स में से अगर हम नीट 2019 की बात करें, तो मेरा ये मानना है कि बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि जो क्वेश्चंस आएंगे, खासकर चार में से दो या तीन जो क्वेश्चंस आएंगे, वो इन दोनों टॉपिक्स के ऊपर से ही बन के आएंगे, ठीक है। प्रेशर एट डेप्थ, आप फ्लूइड्स के बारे में पढ़ते हो, बहुत बड़ा चैप्टर है, बट वहां से भी आपको हर चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको डेप्थ के अलोंग प्रेशर के अंदर किस तरीके से चेंजेस आते हैं, बर्नुलीज थ्योरम और उसकी एप्लीकेशन क्या है, और सरफेस टेंशन के बारे में भी आपको थोड़ा पढ़ना है। मेरा ये मानना है कि इन टॉपिक्स को अगर आप कवर करते हुए चलोगे मेरे साथ साथ, तो जैसा कि टारगेट हमने लिया था, मैंने प्रीवियस वीडियोस के अंदर बताया था कि हमें उन 35 टू 40 क्वेश्चंस को टारगेट करना है, जो कि हम इस तरीके से, ठीक है, जस्ट एक ग्लिम्स वाइज स्टडी करके भी अगर पढ़ने लायक बन जाते हैं अगर उन 40 क्वेश्चंस को, तो हमें कुछ इस तरीके से अपनी पढ़ाई की स्ट्रेटेजी को बना के रखना है, ठीक है। तो ये लिस्ट है आपकी, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। ये 10 टॉपिक्स हैं,
आप इन 10 टॉपिक्स को खुद के लेवल पर भी प्रिपेयर करना स्टार्ट कर सकते हैं। अदरवाइज रेगुलर हमारी ये मोस्ट वांटेड सीरीज स्टार्ट हो रही है, जिसमें वन बाय वन मैं इन टॉपिक्स को आपको समझाने वाला हूं, इन टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चंस करवाने वाला हूं, इन टॉपिक्स के ऊपर जो और प्रोबेबल क्वेश्चंस है उसकी लिस्ट मैं आपको देने वाला हूं, ठीक है। बिल्कुल साथ के साथ मेरे आपको इस चीज को करते जाना है। और देखो, अगर आपको अगर ऐसा लगता है कि सर हम काफी कुछ, मतलब हमें लग रहा है कि काफी कुछ हम डिपेंडेंट हो सकते हैं आपके ऊपर, तो मैं आपका ज्यादा टाइम डिमांड नहीं कर रहा हूं। मुझे भी पता है कि आपको अदर सब्जेक्ट्स को भी पढ़ना है, तो मैं जस्ट केवल और केवल ये कहना चाहता हूं आपसे कि अगर आप केवल और केवल दिन का एक घंटा, वन आवर भी आप मुझे देंगे, तो मेरे लिए वो सफिशियंट होगा और मैं आपको काफी अच्छे मार्क्स स्कोर करने के अंदर मदद कर सकता हूं, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं, ठीक है। तो केवल और केवल दिन का वन आवर आपको मेरे साथ शेयर करना है, केवल और केवल दिन का वन आवर आपको मेरे साथ फिजिक्स के साथ व्यतीत करना है, फिजिक्स के साथ बिताना है, तो आप देखोगे कि आपका नीट 2019 में कम से कम फिजिक्स का जो स्कोर है वो काफी कुछ इंप्रूव हो सकता है। तो ये अगले 10 दिनों की प्लानिंग है। अब आप ये पूछोगे कि सर इसमें जो पहला टॉपिक है उसके ऊपर जो आपका फर्स्ट इस सीरीज का वीडियो है वो कब आने वाला है, तो ये वीडियो आने वाला है होली पर। तो कब है होली? होली कब है? है होली है 22 मार्च को हमारा फर्स्ट वीडियो इस सीरीज का स्टार्ट हो जाएगा, और वहां से अगर आप डेज काउंट करेंगे तो आपके पास अराउंड 45 डेज बचेंगे। हम 40 डेज के अंदर इन सारे के सारे टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। आप और मैं हम मिलकर फिजिक्स से स्ट्रगल करेंगे, और आई होप कि हम फाइनली फिजिक्स को कॉन्कर करके निकलेंगे। तो यार मैं बहुत बहुत ही ज़्यादा मैं बहुत ही ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ, बहुत ही ज़्यादा आप लोगों को बधाई देता हूँ इस चीज़ के लिए कि आप लोग इस चैनल पर आए, इस चैनल से जुड़े, और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारा जो साथ है वो फाइनली आपको नीट 2019 के अंदर काफी अच्छा स्कोर करने के अंदर आपकी मदद करने वाला है। मैं प्रीवियस वीडियोस में भी बता चुका हूं कि फर्दर इन सारी चीजों की इंफॉर्मेशन के बारे में अगर आपको रेगुलर अपडेट रहना है तो कमेंट सेक्शन में जाइए, इस वीडियो के बारे में कमेंट करिए, मेरे चैनल को, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और प्रेप ऑनलाइन जो हमारी ऐप है उसे डाउनलोड करिए, ठीक है। उस पर आपको काफी कुछ अपडेट्स, बिल्कुल डेली अपडेट्स आपको मिलने वाली है, और आपकी काफी कुछ हेल्प हो सकती है उन अपडेट से। तो इन्हीं सब उम्मीदों के साथ कि हमारा ये जो 40 दिनों का साथ है वो नीट को क्रैक करने के अंदर हमारी काफी कुछ मदद करने वाला है, मैं मिलता हूं आपसे इस सीरीज का पहला वीडियो लेके 22 मार्च को। थैंक यू।